हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए पैल वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड। और अभी आज का जो पैल वर्ल्ड का एपिसोड है, इसमें हम लोग करने वाले कुछ खतरनाक से हाइब्रिड ब्रीडिंग। ठीक है गाइस, हाइब्रिड ब्रीडिंग कौन कौन से पैल की करने वाले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए बंदे हो गए फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप सभी को बताओगा, पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने फ्रॉस्टेलियन जो है ना गाइस, उसको यहाँ पे कैप्चर करने का काम करा था। आप देख ही पा रहे हो गए हमारे पास फ्रॉस्टेलियन जो गाइस आ चुका। कम यूर फ्रॉस्टेलियन इधर आ जाओ, लीली मेरा फ्रॉस्टेलियन। ठीक है, इसको हमने पिछले वाले एपिसोड में कैप्चर करा था। अभी हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ हाइब्रिड ब्रीडिंग्स करनी है। ठीक है, कुछ हाइब्रिड ब्रीडिंग्स भाई कहाँ पे कौन से पैल्स के साथ करने वाले मैं बताता हूँ। रुको आपको, पहले इनके अंडे तो शंडे है ना, वो मैं हैच करने के लिए डाल दूँ यहाँ पे। रुको गाइस, इसके अंडे शंडे जो ना कैसे हैच करने के लिए डाल दूँ। केक वगैरह भी भाई बना लेता हूँ मैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग में हम लोग फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड, फ्रॉस्टेलियन का एक नॉक्ड वेरियंट होता है जो अपने फ्रॉस्टेलियन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है अगर उसकी 50 लेवल हो जाए और गाइस उसको भी गोल्डन स्किल मिले तो। ठीक है, सो हम लोग फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड का भाई अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, तो मुझे एक और ब्रीडिंग सेंटर बनाना पड़ेगा ना गाइज। एक काम करे गाइज, जर्मन टाइड का ब्रीडिंग थोड़ा सा बंद कर ले, फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड की हम लोग को जरूरत है अभी फिलहाल के लिए। जर्मन टाइड का ब्रीडिंग ना बंद, देखो चार लेवल के अपने जर्मन टाइड हो चुके सारे के सारे, जो हम लोग को करने थे वो चार लेवल के जर्मन टाइड हो चुके। एक गाइज जर्मन टाइड का ब्रीडिंग बंद कर लेता, रुको गाइज। ठीक है, जर्मन टाइड का ब्रीडिंग बंद कर लेते हैं और हम लोग को जो ना क्या चाहिए फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड वेरिएंट बराबर। तो भाई गूगल बाबा से पहले पूछता गाइज कि फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड जो है ना गाइज उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा। ठीक है गाइज, फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड ब्रीडिंग, ठीक है ब्रीडिंग फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड के लिए हम लोग को कौन सा चाहिए भाई। ठीक है, हाउ टू ब्रीड में जाते हैं हम लोग और देखते हैं, तब तक भाई यहाँ से भाई चीज़ें भी हटाई जाए। हाउ टू ब्रीड में फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड के लिए भाई कैसे चाहिए होगा भाई। अरे किस किस का ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, अरे यार यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है गाइज किस किस का ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड भाई मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था भाई। ठीक है, ब्रीडिंग पैल टुगेदर हैच फ्रॉम अ यूज डार्क एक भाई। ठीक है चलो, फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड यार फोटो बीटो दिए नहीं है क्या यहाँ पे। अरे यार फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड कैसे मिलेगा, कौन से ब्रीडिंग से मिलेगा ये भाई यहाँ पे लिखा नहीं है। फ्रॉस्टेलियन नॉक के लिए कौन सी भाई हाइब्रिड ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, एक तो फ्रॉस्टेलियन है और दूसरा कौन है ना वो मुझे पता नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा कौन है भाई ये मेरे को भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। रुको गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ गूगल बाबा पे। ठीक है, एंड जैसे मुझे गाइस कौन कौन से भाई पैल्स को क्रॉस ब्रीड करने से फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड मिलेगा, फ्रॉस्टेलियन तो एक भाई पक्का है बट उसके साथ किसको भाई क्रॉस ब्रीड करना है वो मुझे गूगल बाबा से भाई निकालने दो इन्फॉर्मेशन, फिर हम लोग उनका ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, रुको गाइस। A few moments later. ठीक है गाइस, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कौन कौन से पैल से जो ना गाइस हम लोग को फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड मिलेगा। मैं निकाल लेता हूँ, रुको गाइस, मैं काम शुरू करता हूँ। भाई तुम निकलो एंड तुम निकलो, एक खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पे डालियो फ्रॉस्टेलियन, फ्रॉस्टेलियन भाई इधर आओ। फ्रॉस्टेलियन के भी ब्रीडिंग करेंगे और हेल जिपर जो है गाइज उसको यहाँ पे ब्रीड कराना है मुझे। ठीक है, हेल जिपर को ब्रीड कराना है मुझे, बस दो अलग अलग जेंडर के फ्रॉस्टेलियन मिल जाए, दो अलग अलग जेंडर के। ठीक है, इसकी भी भाई हम लोग जो है ना गाइज ओपी वाली पर ब्रीडिंग कराएंगे। हेल जिपर ये रहा भाई, ये भाई अपना, ठीक है इधर आ जाओ, इसको और फ्रॉस्टेलियन को हम लोग ब्रीड कराएंगे। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास अपोजिट जेंडर है या सेम जेंडर है। अरे यार एलजीपर का सीन हो जाएगा यार थोड़ा, मेरे पास और एलजीपर है क्या। हाँ है तो सही भाई, ये भी तो सेम जेंडर वाला ही है। हाँ भाई नहीं यार ये नहीं चाहिए, और नहीं है क्या। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई थोड़ी, नहीं है मुझे पकड़ने पड़ेंगे। ओके ठीक है रुको। एलजीपर भाई तुम यहाँ पे रहो, फ्रॉस्टेलियन भाई तुम यहाँ पे रहो अभी फिलहाल के लिए, तो नहीं मेरे इन्वेंटरी में रहो। ठीक है, एलजीपर की पाइल डेक से लोकेशन निकालनी है हम लोग को। ठीक है, पाइल डेक एलजीपर भाई उसकी लोकेशन निकालनी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैप पे स्पॉन होता है भाई कहाँ पे स्पॉन होता है वो देखना है मुझे। ये नहीं भाई, एलजीपर कहाँ पे, एलजीपर कहाँ पे, और ये सरपेंट है ना जिसको भी मुझे पकड़ना है, इसका भी क्रॉस ब्रीडिंग का हम लोग को भाई
इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिला है। एल जी पर ये वाला लोकेशन भाई हैबिटेट, रात को मिलेंगे कहीं पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, ठीक है रात होने दो, रात में इनको हम लोग कैप्चर करने चलते गए, ठीक है। रात होने में वैसे ज़्यादा टाइम जो है गाइस वो यहाँ पे बचा नहीं है, रात होने दो भाई, रात होते हम लोग निकल लेंगे गाइस यहाँ पे भाई, बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगा फिर। और यार मैंने अंडे शंडे उठा लिए भाई, ये अंडा उठाना नहीं था मेरे को लेकिन मैंने गलती से जो है गाइस उठा लिया है यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुको मैं जाके इनको ब्रीडिंग करने के लिए, ब्रीडिंग नहीं सॉरी हैच करने के लिए ऊपर डालता हूँ, और यहाँ से भी इसका ब्रीडिंग मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ब्रीडिंग यहाँ से हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि किसका ब्रीडिंग चालू करेगा इस अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ। देखो हम लोग भाई जर्मन टाइड का ब्रीडिंग बंद कर रहे हैं, क्योंकि जितने हम लोग को जर्मन टाइड चाहिए थे उससे ज़्यादा जर्मन टाइड हमारे पास अभी पड़े हुए हैं। एक जर्मन टाइड तो 5 लेवल का भी हो जाएगा, और लेजेंडरी गन से हम लोग डेजर्ट वाले बॉस को भी मार सकते हैं, ठीक है। देखते चलो देखते क्या सीन होता है, देखते रुको क्या सीन होता है देखते। अच्छा भाई ऊपर पहले चल लूँ, मैं पहले ऊपर चल लूँ। या अंडे शंडे जो है हैच करने के लिए यहाँ पे डाल दूँ अभी। आज यहाँ पे कौन कौन से भाई पैल्स को ब्रीडिंग करने के लिए डालना है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और पब्लिक मुझे ये भी बोल रही है कि गाय को अभी तक मैंने वो नहीं कराया भाई, क्या बोलते हैं उसको, अपग्रेड नहीं कराया, लेवलअप नहीं कराया, तो गाय को भी लेवलअप करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग वाला एपिसोड होगा, लेकिन उसको भी लेवलअप करेंगे। उससे हम लोग ऊपर साइड में जो ना 3-4 और ब्रीडिंग सेंटर जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि फिर गायों की संख्या और भाई मुर्गियों की संख्या तो हमने कम कर ही ली है, गाय की संख्या भी भाई कम कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। ये देखो जर्मन टाइड क्या मिला है भाई, 3-3 लेजेंडरी स्किल मिली है, 3-3 लेजेंडरी स्किल भाई जर्मन टाइड को मिले वो वाले, ठीक है भाई। अभी जर्मन टाइड तो भाई हम लोग वो नहीं कर सकते लेवलअप शेवलअप, उसको अभी फिलहाल के लिए तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हमको अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस वो चाहिए भाई, वो देख रहे हो गाइस नीचे है वो, उनके भाई लेजेंडरी वाले बच्चे चाहिए, बट उनके लेजेंडरी वाले बच्चे तो मिल ही ना रहे भाई, क्या ही बोले, उनके लेजेंडरी बच्चे मिल ही ना रहे। रुको गाइस यहाँ पे अंडे शंडे जो है गाइस हैच करने के लिए डाल देता हूँ जल्दी से, ठीक है। और थोड़े अंडे लेके आने पड़ेंगे मुझे, रुको इनके गाइस अंडे हैच हो चुके होंगे ना, मैं रिलैक्सर्स और स्लग्स के देखता हूँ, रुको उसमें से कोई भाई अच्छा खासा बच्चा निकलता है क्या, उस बच्चे को फिर ब्रीडिंग पे डाल दूंगा इधर, ठीक है। इनमें कोई भी किसी में भी भाई गोल्डन स्किल नहीं है, इनके पास किसी के पास भी गोल्डन स्किल नहीं है, इसलिए हमारा पैल बॉक्स जो है गाइस वो भी फुल होने वाला है ऑलमोस्ट। अरे यार इनको हटाना पड़ेगा वरना ऐसे ब्रीडिंग करते रहेंगे, बट यहाँ पे किसकी ब्रीडिंग करी जाए भाई वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। रुको देखते पहले ऊपर के अंडे जो है ना सारे हैच करने दो, रिलैक्सेस और लक्स अगर मुझे मिल गए ना अच्छे खासे तो उनकी ब्रीडिंग करा दूंगा नीचे वाले भाई हमारे उस पे, ठीक है। रिलैक्सेस और उसके अंडे जो है गाइस वो हम लोग ने यहाँ पे डाल के रखे हैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। ऑल राइट गाइज, ये जो अंडे यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे अंडे जो है गाइज मैं एक एक करके यहाँ पे हैच करने वाला हूँ, ठीक है। एक एक करके भाई सारे के सारे ए टू जेड अंडे जो है गाइज वो हमारे हैच हो गए। चलो थोड़ा सा बोरिंग काम है गाइज, ठीक है। इसमें से रिलैक्सेस और जो है ना गाइज वो निकलने चाहिए, जर्मन टाइड ही निकल रहा है यार, रिलैक्सोसोरस है नहीं क्या यहाँ पे, जर्मन टाइड लग रहा है कि सारे के सारे जर्मन टाइड के अंडे जो है वही हम लोग भाई। हेलो मुझे लगा मैं हैच कर रहा हूँ अंडा, हाँ ये रहा, ठीक है। चलो डन डना डन डन, काम 25 है, काम 25 है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई अभी आगे बढ़ते गए हम लोग, चलो अभी फटाफट से गई अंडे। हाँ रिलैक्सोसोरस रनर उतनी खास स्किल नहीं, बट हाँ इसको हम लोग डाल देते भाई वहाँ से हटा के रखो। रनर जो है गाइस एक तो एटलीस्ट गोल्डन स्किल है रनर, इसमें भी रनर वाली स्किल मिली है हम लोग को, ठीक है। इसमें भी रनर वाली स्किल मिली है, ठीक है। रनर वाली स्किल जो है गाइस वो हम लोग को मिले जा रही है गाइस, आप यहाँ पे एक अंडा हैच होना भाई रहेगा रुको रुको गाइस। इसमें रनर भाई रनर वाली स्किल मिल रही है रिलैक्सोसोरस की मेरे को, और कोई गोल्डन स्किल मिल नहीं रही है। चलो रनर वालों को मैं भाई अभी आपस में ब्रीड, भाई देखो रनर ही मिल रही है भाई, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस आ, ये भाई ये अच्छी चीज़ मिली है, मोटिवेशन लीडर भाई, ठीक है। रिलैक्सोसोरस की जो ना गाइस ब्रीडिंग कराते हैं हम लोग, रुको गाइस रिलैक्सोसोरस की ब्रीडिंग कराते हैं। रिलैक्सोसोरस काफ़ी बढ़िया वाले मिले हम लोग को अभी फिलहाल के लिए तो। जर्मन टाइड भाई गोल्डन 3 स्किल भाई, मजाक हो रहा है भाई, ये जर्मन टाइड बहुत ज़्यादा खतरनाक भाई निकला है भाई, 3-3 गोल्डन स्किल भाई सही है। रनर ठीक है भाई, रनर वाले भाई यहाँ पे अंडे निकल रहे हैं, रनर ही रिलैक्सोसोरस जो है उसमें रनर ही निकल रहा है भाई हमारा तो, रनर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये भाई इसमें भी दो भाई मिल गए, स्विफ्ट वगैरह मिल चुका है भाई, ठीक है। चलो
सारे अंडे का साइज कर लेने, रिलैक्स हो जरूर उसके, काफी बढ़िया बढ़िया वाले जो ना कि हम लोग को यहाँ पे अभी बच्चे मिले हैं भाई। ठीक है, मैं जल्दी से जितने भी अंडे के यहाँ पे दिखाई दे रहे ना वो सारे के सारे हैच करने का काम कर लेता हूँ, फिर हम लोग जो है ना गाइस नीचे चलेंगे। ठीक है, हमारी ब्रीडिंग जो है ना गाइस, हाँ रात को गाइस हमको सोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रात में हमको पैल पकड़ने के लिए जाना है, जिससे हम लोग हाइब्रिड ब्रीडिंग कराएंगे अपने गाइस उस पैरे से, नाम भूल गया भाई, प्रोस्टेलैंड की भाई। ठीक है, नहीं ये तो भाई कुछ खास नहीं निकले भाई, ये खास नहीं निकले, चलो इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। एंड अभी रिलैक्सोसोरस की करनी है ब्रीडिंग। ठीक है, रुको रुको गाइस, रिलैक्सोसोरस की ब्रीडिंग करानी है, रिलैक्सोसोरस की गाइस एकदम तगड़ी वाली ब्रीडिंग करानी है। इनको यहाँ से हटा दो, इनको हटा दो, रुको आ गाइस, अपने उन रिलैक्सोसोरस को भी हटा दो, इन रिलैक्सोसोरस को भी हटाओ यहाँ से। क्या क्या भाई फुल, एक मिनट रुक जाओ, अरे ऊपर वैसे ही रह गए भाई, फुल हो गया पूरा, ये फुल हो चुका है गाइस, वो देखो पैल वैसे ही पड़े हुए वहाँ पे ऊपर। रुकना, जर्मन टाइड कौन सा वाला है सबसे ज़्यादा पावरफुल, हाई डैमेज वाला 500, ये वाला नहीं भाई, हाई डैमेज वाला कौन है, 900 वाला तू है ना, लेवल 4, इसको लेवल 5 कर लेता हूँ, रुको, 1 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
रह गए हम लोग इसको यार। मैंने भाई इतने सारे पाल के अंडे हैच करे, सारे के सारे पाल ऊपर पड़े हुए, बताओ सारे के सारे, क्या ही बोले। ये देखो इनके कितने ज्यादा अंडे हैच हो चुके हैं भाई, लेवल 1-1 के गए सारे जर्मन टाइड। मैं लेवल 5 कर रहा हूँ, मैक्स लेवल का एक जर्मन टाइड कर रहे गए हम लोग, मैक्स लेवल का। ठीक है गाइस, ये उसके बाद भाई ये 59, 5 और चाहिए जर्मन टाइप। ये एक आखिरी कहाँ से लाओ, ये वाला 31 लेवल का है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लो भाई, कर लो इसके साथ कम भाई। ठीक है, हो गया 5 लेवल का अपना ये जर्मन टाइड हो चुका है। इसका डैमेज अभी लगभग 1000 जा रहा है। ठीक है, रात भी हो चुकी है, रात में मुझे जाना था यार। रुको, लिन पैल्स को उठा लो भाई, इनको उठा दे कैसे, जब एफ से मैं पिकअप करना पड़ेगा। सारे रिलैक्सोसॉरस, दूसरे सारे पैल यहाँ पे पड़े हुए। ठीक है, पिकअप। एक और जर्मन टाइड 5 लेवल हो जाएगा क्या? उतने तो अंडे नहीं होंगे कि एक और जर्मन टाइड को 5 लेवल कर पाए हम लोग। ठीक है, एक और जर्मन टाइड को तो 5 लेवल नहीं करने वाले हम। जितने भी अभी जर्मन टाइड आएंगे उनको हम लोग बेच देंगे मस्त देखिए। ठीक है गाइस, बेच देंगे, देखते कितने अंडे और निकलते हैं। ठीक है चलो, रात पूरी तरीके से होने दो, फिर भाई हम लोग रात में कुछ पैल्स को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। और रिलैक्सोसॉरस का भाई यहाँ पे ब्रीडिंग कराना है बराबर। ठीक है रुको, गोल्डन स्किल वाले रिलैक्सोसॉरस की ब्रीडिंग करानी है मुझे, ये बात याद रखना। इन रिलैक्सोसॉरस को हटाओ, गोल्डन स्किल, एक के पास 2 गोल्डन स्किल थी, एक तो रनर अर्थक्वेक, रनर 2, ये भी काफ़ी बढ़िया है, स्टन लवर क्लमजी रनर, 4 स्किल नहीं है क्या, 4 स्किल एक साथ नहीं है ना, रनर के साथ 4 स्किल नहीं मिल रही है। ठीक है तो रनर और ये डाल देता हूँ भाई, तू इधर आ। ठीक है, इनका ब्रीडिंग कराना है मुझे। ठीक है, मैं उनको भी हटा देता हूँ जर्मन टाइड को। रात में गाइस हम लोग को जाना है अभी यहाँ पे वो करने के लिए, पैल्स को कैप्चर करने के लिए। भाई तू यहाँ पे रहेगा, तेरे लिए पार्टनर लेके आ रहा हूँ। रुको, इसके लिए भाई 2 गोल्डन स्किल वाला एक पार्टनर होगा। रुको, 2 गोल्डन स्किल वाला, 2 गोल्डन स्किल वाला पार्टनर, 2 गोल्डन होगी स्किल। ओके, रनर तो सब में ही है भाई, रनर तो सभी में, 2 गोल्डन स्किल होगी अच्छी खासी। देखना, एक ही ऐसा भाई मेरे को वो मिला था जिसमें 2 गोल्डन स्किल थे, यहाँ पे नहीं है, ये रहा, ये 2 गोल्डन स्किल, हाँ ये वाली है, ये वाला है भाई, ये वाला। ठीक है, इधर आ भाई। ठीक है, इन लोग की जो ना गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग करने दो, जर्मन टाइड की वहाँ पे ब्रीडिंग चल रही। रुको गाइस, अभी हम फिलहाल के लिए जर्मन टाइड की ब्रीडिंग ना बंद कर देते हैं, हमको जितने चाहिए थे जर्मन टाइड मिल गए, इनके भी फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्रीडिंग होने दो। और जर्मन टाइड की ब्रीडिंग बंद कर लो, जर्मन टाइड की ब्रीडिंग बंद भाई। भाई कुछ ज़्यादा ही ब्रीडिंग कर रहे हैं ये वाले, ब्रीडिंग वाले हैं ना अपने जर्मन टाइड को, हटाओ भाई। ब्रीडिंग अभी फिलहाल के लिए मैं बंद रख रहा हूँ जर्मन टाइड्स की। ठीक है, ओ गाइस रात हो चुकी है, रात में हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए जो पैल चाहिए उसको मैं पकड़ के लेके आता हूँ। रुको, अंडे मेरे पास, अंडे 4 है, अंडे हैच करने के लिए डालता हूँ जल्दी से। ठीक है, 4 अंडे पड़े हुए हैं, हैच करने के लिए डालते हैं। सवेरा होने से पहले मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो भाई कि सवेरा हो जाएगा और फिर मैं पैल्स को पकड़ नहीं पाऊंगा उन्हें।
उनकी लोकेशन जरा मुझे एक बार देखने दो गाइस कि कहाँ पे है। कम ऑन जल्दी से अंडे डाल दे यहाँ पे, जल्दी से अंडे डाल। हाँ उनकी लोकेशन है यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक है चलो आ जाओ गाइस। अगर हाई लेवल के मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा मुझे उनके, अगर कुछ उनके पास अच्छी खासी कुछ एबिलिटी मिल गई ना तो और मज़ा आएगा। इस वाले एरिया में हम लोग को मिलने वाले हैं हमारे वो पैल भाई, ठीक है इस वाले एरिया में भाई बहुत ज़्यादा होंगे ऐसी खबर मिली है मेरे को। रुको मुझे पैल डेक में एक बार देखने दो, पैल डेक में एबिडेड रात के टाइम पे नहीं यार, साइड वाले में फर्स्ट ट्रेवल यहाँ पे इसके पास रहेंगे इसके पास कचरे की तरह भर भर के रहेंगे भाई यहाँ पे इस लोकेशन पे, ठीक है इस लोकेशन पे। ये एबिडेड है ना भाई तुम्हारा पैलडेड एबिडेड रात के समय, हाँ भाई यहाँ पे भाई बोल रहे कचरे की तरह मिलेंगे, देखते चलो कितने कचरे की तरह मिलते हैं हम लोग को ये पैल्स भाई, ठीक है ओके नाइस जी जी। ये रहा 26 लेवल, नॉट डेड बैड एक्चुअली, नॉट डेड बैड। कम ऑन डू कम डाउन नीचे आइयो, अच्छी खासी अगर स्किल्स इनमें भी मिल जाते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ये हो गया कैप्चर। स्किल हमको पता नहीं चलती ना, मर गया मारना नहीं था भाई, शॉटगन ही ले लेता उनको, मुझे बस अपोजिट जेंडर वाला चाहिए अपना पहले, ठीक है जी बस थोड़ा अपोजिट जेंडर वाला चाहिए मेरे पास, जो क्या बोलते हैं उसको फ्रॉस्टेलियन है ना उसके अपोजिट जेंडर वाला चाहिए। कहाँ पे भाई दिख ही नहीं रहे हैं, इतने ही थे क्या इस वाले एरिया में, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ आजू बाजू मिल जाएंगे और मिलेंगे गाइस को, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ और काफ़ी मिलने के चांसेस है इस वाले एरिया में, ठीक है क्योंकि यही उनका भाई मेन इलाका है, यही इलाका है जहाँ पे वो होंगे भाई। वो रहा जी जी 26 लेवल है वंस अगेन, काफ़ी बढ़िया लेवल है। नाइस नीचे आने तो कैप्चर कर लेता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है उनसे पर्स नीचे पर भैया 1 HP बचा, ठीक है काम हो जाएगा इतने से गाइस, शायद से हो जाना तो चाहिए। टीपी कहाँ पे अभी, टीपी सामने की तरफ है, रास्ते में कोई और दिखे तो मैं पकड़ लूँगा, वरना मुझे लग रहा है मुझे जो जेंडर का चाहिए था वो मिल चुका होगा भाई इतने में, ठीक है मिल गया होगा ऊपर साइड में टीपी है कहीं पर, कितना ऊपर है ये पहाड़ी के, अच्छा इधर साइड है यार, रात में कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन ये लैम्प हमारे काम आ रहा है, हैंगिंग लैम्प जो हमने बनाया था वो हमारे काम तो आ रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे टिपी है कहीं पे, वो रहा ऊपर साइड में भाई, ठीक है चलो हम लोग ने भाई यहाँ पे 3-4 एल जेपर जो है वो कैप्चर कर लिया, रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं यार, रात के टाइम पे इनका लुक जो है वो खतरनाक निकलता है भाई। रुको मैं आपको एल जेपर जो मैं कैप्चर करके लाया हूँ ना वो दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस ये रहा भाई एल जेपर, देखना गाइस ये देखो भाई रात में क्या ग्लो कर रहा है भाई वो, इसका हम लोग सैडल भी बना सकते हैं। ओके ये देखो भाई एक ही नीचे जबरदस्त, ठीक है रुको ब्रीडिंग के लिए लगाता हूँ और इसका एक सैडल भी बनाते हैं हम लोग भाई, ठीक है सैडल भी बना के आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी हाइब्रिड ब्रीडिंग जो है वो हम लोग शुरू करने वाले, रुको अरे जल्दी जल्दी यहाँ पे मेरे को सोने दो, अभी ओपी पैल्स की ब्रीडिंग होगी, ओपी पैल भाई एकदम ओपी और खतरनाक वाले पैल्स की ब्रीडिंग होगी, बस खाली जर्मन टाइड जो है उनकी ब्रीडिंग खत्म हो चुकी है, अभी दूसरे पैल्स की ब्रीडिंग करने का टाइम आ चुका है, ठीक है यही पे कर लो क्या वो हाइब्रिड ब्रीडिंग भी, फ्रॉस्ट्रेलियन बाइक की ये भी ब्रीडिंग करनी है, फ्रॉस्ट्रेलियन भाई तुम्हारी ब्रीडिंग यहीं पे करनी आ जाओ, फ्रॉस्ट्रेलियन की भी यहीं पे ब्रीडिंग कर लेता हूँ चलो, ठीक है यहाँ पे आराम से ब्रीडिंग हो जाएगी ये, अच्छा और ठीक है ऑल राइट ठीक है चलो। इसके लिए भाई एक और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, एक और पार्टनर, बाप रे किसने हमला करा भाई, किसने हमला करा, ये वाला, हाँ ये वाला चल जाएगा ना, ये वाला चल जाएगा भाई, इधर भाई तेरे को ब्रीडिंग करने के लिए लाया हूँ मैं, काम शाम नहीं करना है भाई तेरे को करनी है बस यहाँ पे ब्रीडिंग। ओ यस कर ले ओके बॉय चल ब्रीडिंग चल रही इन लोग की, केक शेक भाई डाल देता हूँ थोड़े से, रुको इनके जो अंडे निकलेंगे गाइस ध्यान से सुनना, इनके जो अंडे निकलेंगे उन अंडों में से हम लोग को गोल्डन स्किल वाले
जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों की ब्रीडिंग करानी आपस में। गोल्डन स्किल वाले की अगर हम ब्रीडिंग करते हैं ना, तो हमको जो बच्चे मिलते हैं वापस से उनमें और एक्स्ट्रा गोल्डन स्किल मिल जाती है। मतलब एक दो गोल्डन स्किल समझ लो किसी में है, तो हम लोग को उनकी ब्रीडिंग करानी, तो हम लोग को जो अंडे मिलेंगे उनमें से जो बच्चे निकलेंगे उनकी 3 या 4 गोल्डन स्किल्स हो सकती है, मैक्सिमम 4 ही स्किल होती है। सो ऐसा सीन है भाई, समझ रहे हो गाइज। सो इसलिए गाइज हम लोग ने इन दो गोल्डन स्किल वाले को जो ना, अरे यार सेम जेंडर क्या, तब बोलो ब्रीडिंग काहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है सेम जेंडर बोलते बॉयज तो मोटिव। रनर भाई एक और ढूंढ ले ना भाई, कौन सा भाई, हाँ जी को रनर एक और ढूंढ ले, क्या ही है भाई रनर एक और ढूंढ ले। स्टमक ये वाला नहीं, ये सेम जेंडर है रनर, हाँ ये वाला ले हो, ये वाला लियो, ये वाला लियो, आ जा भाई इनका ब्रीडिंग करेंगे। ये भी रनर है, इसके पास भी एक ही गोल्डन स्किल है, उसके पास भाई दो गोल्डन स्किल है। सो जो बच्चा निकलेगा वो हम लोग को दो गोल्डन स्किल वाला मिल जाएगा शायद से। हाँ कर लो ब्रीडिंग कर लो, आराम से ब्रीडिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लो। ऊपर का इस ब्रीडिंग बंद करके आते हैं हम लोग, हमको जितने फ्रॉस्टलिन चाहिए थे भाई हो चुके हैं, 5 लेवल का हमने फ्रॉस्टलिन एक कर भी दिया है भाई, ठीक है। अंडे उठा लें दो यहाँ से, ठीक है अंडे उठा दो, केक भाई 12 पड़े, ठीक है भाई। और इन लोग का ब्रीडिंग बंद करना है भाई, ए भाई लोग हो गया भाई तुम्हारा, तुम्हारा काम 25 हो चुका है, तुम्हारा ब्रीडिंग बंद करना है। रुको अबे यार मैंने क्यों चीज़ें उठा ली गलती से, रुको आ गए, मैं घर पे पहले अंडे डाल के आ जाता हूँ, उसके बाद इनका ब्रीडिंग बंद करते हैं। और अभी रिलैक्सोस और रिलक्स और फ्रॉस्टेलियन ये दो पैल्स का हम लोग को ब्रीडिंग कराना है भाई, ठीक है गाइज। इनके जो बच्चे निकलेंगे उनमें से गोल्डन स्किल्स वाले जो बच्चे होंगे उनको हम लोग ऊपर वाले जो है गाइज उस फार्म पे वापस से ब्रीड कराएंगे, ताकि हम लोग को 4 गोल्डन स्किल वाला एक ओपी और खतरनाक सा जो फ्रॉस्टेलियन है गाइज वो मिल सके, जिसका डैमेज गाइज हमारे इस फ्रॉस्टेलियन से भी ज़्यादा जाएगा। वो अलग बात है कि उसको 50 लेवल करते करते भाई रस्ते पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 50 लेवल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, ठीक है। चलो मैं ये चीज़ें जो है कि जो यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है कड़बल, ठीक है भाई। ये भी भाई मुझे भाई बॉक्स में रखनी पड़ेगी अभी, पहले तो ये सारी अंडे दे शंडे यहाँ पे मुझे डालने दो, दबा के अंडे जो है गाइस वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अंडे शंडे डाल दिए, नीचे चल दे गाइस आ जाओ। हॉट क्यों हो रहा है, ओ अपना इसके रीजन से ना, ठीक है रुको इसको चेंज कर लिया मैंने, चलो आ जाओ भाई ना आओ। मेरे पास जो इक्का डबल चीज़ें है गाइस उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ एक और चीज़ भाई, उसका सैडल बनाई हो भाई, इसका सैडल बनाई हो, सैडल अनलॉक करा है मैंने, सैडल अनलॉक नहीं करा, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स अपना भाई कहाँ पे भाई वो जो, हाँ ये रहा भाई इसका सैडल बनाओ, ठीक है कहाँ पे उसका सैडल, ये रहा भाई। चलो सैडल बना दो, इसका सैडल अपने एनिबस बना लेंगे, एनिबस अपना सैडल बना लेंगे उसका आराम से। डायमंड शायमंड और बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, ये यहाँ पे डाल दो रुको, डायमंड वगैरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डन डन डना डन डन। चलो 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 ऊपर चलते हैं अभी, जल्दी से ऊपर चलना है, और गाइस उनका ब्रीडिंग बंद कर देना है, ठीक है। उस ब्रीडिंग सेंटर में रिलैक्सोसोरस लक्स या तो गाइस हमारे प्यारे प्यारे से फ्रॉस्टेलियन जो है गाइस वही भाई हैच होंगे और कोई नहीं, ओके गाइस। बाकी अगर आप भाई बताना नीचे कमेंट करके, अगर हम और किसी को भाई यहाँ पे आप चाहते हो मैं किसी और गाइस यहाँ पे पैल को ब्रीडिंग करने के लिए भाई रखूँ, तो भाई लेवल 5 का आप देखना चाहते हो किसी और पैल को जो है ना गाइस यहाँ पे होते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो इससे भाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे भाई वो। इसको रखाओ, इसको रखो, दुद्धू इतना मिलेगा ना अभी भाई, इतना दुद्धू मिलेगा ना, इतना दुद्धू मिलेगा किसी ने सोची ना होगी भाई। लियो भाई लियो भाई जाओ भाई, दुद्धू दुद्धू देना है तो तेरे को, ठीक है भर भर के दुद्धू देना है भाई, भर भर के दुद्धू देना है, ले ले भाई रुको, भर भर के दुद्धू दे देंगे हमको। पहले अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे इन्होंने कितना दुद्धू और अंडे शंडे दिए भाई, अंडों की बरसात हो चुकी है भाई, भर भर के अंडे वगैरह मिल रहे हैं हम लोग को, भर भर के गाइस सच में भाई बहुत ज़्यादा अंडे शंडे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुद्धू वगैरह भी मिल रहा है हम लोग को। वैसे ये गाय घूम क्यों रही है, एक और यहाँ पे सेंटर बना दूँ क्या, गाय ज़्यादा डाल दी लग रहा है मैंने। हाँ गई यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, रुको वो सेंटर आ, और रुको पहले तो भाई नीचे केक बनाने के लिए डाल दूँ, कितना हो गया भाई, बाप रे दुद्धू उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी, चलो कोई ना वहाँ पे या फिर यहाँ पे पीछे साइड में वो लगा देता हूँ एक और इनका वो सेंटर भाई, ठीक है छोटू सा। नीचे चलते हैं हम लोग, ठीक है जल्दी से केक बनाने के लिए डालता हूँ, बहुत सारे केक बनाने के लिए डालने हम लोग को भाई, बहुत सारे केक बनाने के लिए डालते, अरे बाप रे इधर नहीं उड़ना था भाई,
कुछ ज़्यादा ही दूर उड़ के आ गया भाई ये तो। ठीक है, यहाँ पे भाई केक बनाने के लिए डालता हूँ डायरेक्टली। कितने बन रहे केक? आटा चाहिए क्या? हाँ, आटे की कमी पड़ रही है अभी, अभी आटे की कमी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है रुको, आटे का जुगाड़ कर लेता हूँ मैं। दुद्धू ये लो, दुद्धू यहाँ पे डाल देता हूँ। सस्पेशियस जूस किस काम आएगा पता नहीं। आटा तो ऊपर पड़ा हुआ है, आटे से और केक बना लेता हूँ रुको मैं। ठीक है आटा भाई ये लो, पड़ा हुआ था ऊपर भाई। 400 आटा बन रहा है, 400 आटा भाई। ठीक है केक शेक बनाते हैं यहाँ पे। कितने बन रहे हो? 7 केक बन रहे। चलो केक को बनने दो। ये आखिरी वाले कुछ अंडे जो मैं ऐड करने के लिए डालता हूँ एंड देखते हम लोग गाइज अभी जो हमारे जर्मन डाइड हैं उसको जितने मेरे पास अंडे पड़े हुए उससे मैं एक और भाई यहाँ पे लेवल अप दे पाता हूँ कि नहीं किसी जर्मन डाइड को। पहले ये अंडे सारे के सारे जो है जो यहाँ पे हैच होने दो, सारे के सारे ए टू जेड अंडे हैच होने दो यहाँ पे। इसमें से देखते हैं भाई क्या निकलता है। यू जे के भाई जर्मन डाइड है भाई ये वाला। चलो डन, लेट्स गो। सो हम लोग ने हाइब्रिड ब्रीडिंग जो है गाइस वो शुरू कर दी है। अबे हम लोग को नॉक्ट वाला गाइस, नॉक्ट वाला प्यारा सा फ्रॉस्टेलियन जो है गाइस वो अगले वाले एपिसोड में मिलने वाला है। एक मिनट रुक जाओ, इसको हैच होने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन पहले ये देखने दो गाइस मेरे को, चला हैच होने में भाई 400 साल लगे इसको। हैच होने में 30 मिनट ही लगेगा ना, एक घंटा। इंक्यूबेशन स्पीड 0 भाई, क्यों क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है? सिम्स लिटल हॉट भाई, ठीक है रुक रुक तेरा हॉट का मैं कुछ जुगाड़ करता, रुक जा। सिम्स लिटल हॉट ना जुगाड़ करता, रुक। सिम्स लिटल हॉट भाई, ठीक है रुक। अभी यहाँ पे यही अंडे गाइस मेरे को हैच करने ना, सो ये करना पड़ेगा मुझे, ये हटाने पड़ेंगे। 39 50% क्या हो रहा है? लिटल बिट हॉट, आग हटाऊँ, ठीक है 100%। 29 मिनट में अंडा हैच हो रहा है। बाकी ये वाले अंडे में 100% इंक्यूबेशन पे चल रहा है और यहाँ पे हम लोग गाइस फ्रॉस्टेलियन और हमारे रिलैक्सोसोरस के अंडे डालने वाले हैं। सो इसके लिए गाइस ये वाली एरिया जो होगी वो हमारी होगी फ्रॉस्टेलियन की और वो वाला एरिया होगा भाई रिलैक्सोसोरस का। ठीक है लेट्स गो, डन 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 आ जाओ। और अगले एपिसोड में आपको फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड जो है गाइस वो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है बाकी और कुछ करना था यहाँ पे? मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है यार, मुझे इनगेट्स बनाने के लिए डालने ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन लगा सकूँ। रुको गाइस मैं उधर से सामान लेके आता हूँ भाई, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहे क्या ये लोग? ना तोड़ दिया है भाई, इकट्ठा नहीं करा अभी तक इन्हें। तोड़ रहे ये तोड़ो और इकट्ठा कर लो, मैं अगले एपिसोड में ये लेने के लिए आऊँगा। अभी मेरे पास गाइस कुछ चीज़ें पड़ी हुई इन्वेंट्री में, एक का डबल वहाँ पर डाल दूँ। अरे यार तू क्या करता है भाई, ब्रीडिंग के लिए जाना वहाँ पर, जैसे हम लोग निकल लेते हैं ना ब्रीडिंग से हट जाता है भाई ये पहल। ठीक है यहाँ पे डाल दो, ये सस्पेशियस जूस कहाँ डालू यार? यहाँ पे डाल दो तो काम का नहीं सस्पेशियस जूस वो। ठीक है टमाटो चमाटो तो मैं खा लूँगा भाई, हो गया ना सब कुछ। ये कौन सा वाला है? वाटर स्किल हाइड्रोलेजर है भाई तो मेरे पास, चाहे तो मैं किसी को वाटर वाला अटैक जो है वो भी भाई लर्न करा सकता हूँ। ठीक है ओके यहाँ पे एनिबस को डाल दूँ अभी यहाँ पे भाई, एनिबस अंकल जी को। अच्छा एनिबस से जर्मन डाइड को हटाओ, ब्लेज मत, 720 डैमेज वाला ब्लेज मत। ठीक है भाई इसको रखो यहाँ पे। देन और कौन रह गया अपना यहाँ पे? बाई लेवल, बाई लेवल ये कितना है भाई? 600 डैमेज वाला, इसको यहाँ से हटाऊँ। ठीक है एंड इसको यहाँ पे लगाऊँ। और कौन रह गया अपना? शैडो बेक रह गया भाई। ठीक है चलो चलते गए अभी फटाफट से ऊपर। और मेरे पास कितने और यहाँ पे वो पड़े हुए जर्मन टाइड्स? इतने ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है क्योंकि इससे मैं किसी को लेवल अप तो नहीं कर सकता। हाँ ये रिलैक्सोस और चाहिए होंगे, सो इनको बेच दूँ क्या मैं? इनको बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी मेरे पास भाई अभी 4-4 लेवल के 4 जर्मन टाइड और 5 लेवल का एक जर्मन टाइड रेडी हो चुका है। अगर हम चाहें तो बॉस फाइट ले सकते भाई डेजर्ट वाले बॉस से। ठीक है अगले वाले एपिसोड में ना एक काम करते, कल वाले एपिसोड में हम डेजर्ट वाले बॉस से जो है ना गाइस बॉस फाइट ले लेते हैं। ठीक है डेजर्ट वाला बॉस जो है कि उसकी पुंगी बजाएंगे हम लोग अगले कल वाले एपिसोड में। कल वाला जो फर्स्ट एपिसोड होगा उससे हम लोग उसमें जो है ना गाइस हम लोग जाएंगे डेजर्ट वाले बॉस को फाइनली हराने के लिए। सो अगला जो एपिसोड होगा वो मिस नहीं करना। और एक मिनट रुक जाओ यार मैं भूल गया एक चीज़, तभी मैं बोलूँ कुछ तो मैं भूल रहा था भाई, इसका सैडल बना लिया है, चला आ जाओ गाइस। ठीक है एल्जेबर को अभी राइड करके देखा जाए भाई थोड़ा सा। कहाँ पे भाई एल्जेबर? भाई हिलजबर पकड़े मैंने 26 लेवल का, ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है आ जाओ। चलो गाइस हिलजबर भाई
आइयो बिठाइयो मेरे को। ओ यस, वो हेलजेपर की भी भाई स्पीड काफी बढ़िया है वैसे भाई। इसका लुक तो खतरनाक है यार, इसकी स्पीड काफी बढ़िया है यार उड़ते हुए, उतनी भी बुरी नहीं है। देखना गाइस, काफी भाई बढ़िया स्पीड है भाई इसकी, काफी अच्छी तरीके से उड़ रहा है। और इसकी जो गाइस यहाँ पे लुक वगैरह है ना गाइस, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आप देख ही पा रहे हो। और जो एलजेपर भाई देखो भाई, दिखने में एलजेपर जो है गाइस वो एक नंबर पाल है भाई, एक नंबर। अगर मुझे इससे ज्यादा हाई लेवल का मिलता ना तो और मजा आ जाता, इससे ज्यादा हाई लेवल का तो कहीं मिल ही नहीं सकता मुझे भाई। डेजर्ट में स्पॉन होते गए, डेजर्ट में अगर एलजेपर स्पॉन होते हो तो वहां पे मिल जाएंगे, बाकी और कहीं पे चांस नहीं है। डैमेज कितना जा रहा है जरा देखा जाए इसका। ये कौन सा अटैक है? ओके, टोर्नेडो वाला अटैक। ओ भाई 500 डैमेज जा रहा है भाई, ठीक है। शैडो ब्रश कौन सा है? ओके भाई, इसका 1600 डैमेज जा रहा है इसका। और डार्क बॉल छोटू सी भाई, डार्क की बॉल, डार्क बॉल फेंकता है ये जो फॉलो कर करके जाके मारेगी। लियो भाई एक और डार्क बॉल ले तू भी, तू शैडो ब्रश ले भाई, ठीक है। तो एक काम कर ले, तू टोर्नेडो वाला अटैक भी ले भाई, वैनब्रम के बच्चे हैं तेरे को चुल मची है भाई, चुन्ने काट रहे वैनब्रम को। ले डार्क बॉल खा ले मेरी, खा ले डार्क बॉल, ले भाई ले बेटा, लेट्स गो। डैमेज गाइस उतना ज्यादा आई नहीं जा रहा, लेकिन ठीक है भाई, ठीक ठाक डैमेज जा रहा है, ठीक ठाक डैमेज जा रहा है, मुझे काफी पसंद आ गया गाइस ये। इसके लेवल अगर ज्यादा होती ना तो कुछ सोचते हैं हम लोग भाई इसके बारे में, बट इसके लेवल काफी लो है तो रहने देते अभी फिलहाल के लिए। ये ब्रीडिंग के हमारे काफी ज्यादा काम आ ही रहा है वैसे भी, ठीक है। सो बताइए गाइस आपको हमारा हेलजेपर वाज जो है गाइस, जो अभी हम लोग ने आज किस एपिसोड में कैप्चर करा, वो कैसे लगा। हाइब्रिड ब्रीडिंग जो है गाइस हमारी शुरू हो चुकी है, अगले एपिसोड में आपको हमारा फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक और अंडा दे दीस भाई, एक और अंडा दे दीस, रुको इसको जाके आज करने के लिए डाल दूँ। जितने अंडे देंगे उतना भाई सही रहेगा हमको, जितने। और मुझे दो गोल्डन स्किल वाले नॉक्ट चाहिए भाई, ठीक है। ये फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट दो गोल्डन स्किल वाले चाहिए। मैं अभी भाई जो फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट बच्चे निकलेंगे ना उनके लेवल अप नहीं करने वाला हूँ, चार गोल्डन स्किल वाला जब भाई फ्रॉस्टेलियन नॉक्ट का बच्चा मिलेगा हमको तब हम लोग उसकी भाई लेवल अप शेवल अप करेंगे, ठीक है। समझ गए गाइस, चार भाई। ऑल राइट, चलो यहाँ पे यूज ड्रैगन एक 59। अरे नहीं यार गलती होगी, मेरे को गलती होगी, यहाँ पे अंडा डाला था मैंने, नहीं यहाँ पे कहीं पे तो अंडा डाला हूँ, अब भी अंडा डाला ये वाला। यूज डार्क एक, ये हटाने, ये यूज डार्क एक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। 29 मिनट में ही हैच हो जाएगा। और इसको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना है इसके अंदर। काम 25 है, काम कम 25 है, लेट्स गो गाइस। तो अगले एपिसोड में फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड मिलने वाला है, तो अगला एपिसोड मिस नहीं करना। एंड आज का ये वाला एपिसोड कैसे लगा आपको जरूर नीचे कमेंट करके बताना, बाकी आज का एपिसोड हो जाता है ये तो मिलते जुदा पाल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.